हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल द नॉलेज स्कूप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे सिर्फ BHU के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब। आज हम आपके सामने लेके आए हैं BHU, इन्फॉर्मेशन अबाउट BHU कम्बाइंड टेस्ट फॉर BA आर्ट्स एंड सोशल साइंस एग्जामिनेशन। तो ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि BHU ने अपने एंट्रेंस टेस्ट में कुछ बदलाव लाए हैं। 2018 में BA आर्ट्स और सोशल साइंस के अलग अलग फॉर्म भरे जाते थे, उसके बाद अलग अलग परीक्षाएं भी होती थी और इसका काउंसलिंग भी अलग अलग होता था। सारी चीजें मतलब सेपरेटेड रहती थी। अब इसमें कुछ कंबाइंड किया, यहाँ कंबाइंड लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि BA आर्ट्स और सोशल साइंस ये दोनों के जो फॉर्म है वो तो अलग अलग भरे ही जाएंगे। जैसे मैं अगर एडमिशन लेना चाहता हूँ, BA आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों का एंट्रेंस टेस्ट देना चाहता हूँ, तो मैं BA आर्ट्स का भी फॉर्म भरूंगा और BA सोशल साइंस का भी फॉर्म भरूंगा। हाँ, अब दोनों फॉर्म में अलग अलग भरूंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जो एग्जाम होगा वो एक ही एग्जाम होगा। जैसे कि यहाँ पे वन एग्जाम इन वन डे, एक ही दिन में BA आर्ट्स और सोशल साइंस एक ही पेपर में दोनों एग्जाम ले लिए जाएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पिछले साल तो हमने अलग अलग फॉर्म भरा था, BA आर्ट्स के लिए अलग भरा, BA सोशल के लिए अलग भरा, तो इसका मेरिट कैसे बनेगा, कट ऑफ कैसे बनेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, कट ऑफ कैसे बनेगा। तो मान लो ये दो आदमी है, एक ही आदमी एक ही आदमी, इसने BA सोशल साइंस का भरा और इसने जो है BA आर्ट्स और सोशल साइंस दोनों भर दिया। ओके, तो नंबर कितना आया, नंबर इसका 220 आया, इसका भी 220 आया। मैं इसको 220 अलग अलग इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इसने आर्ट्स में भी आर्ट्स का भी फॉर्म भरा था और सोशल का भी फॉर्म भरा था, इसलिए ये जो कम्बाइंड एग्जाम हो रहे हैं दोनों के, ये दोनों के कम्बाइंड एग्जाम जो हो रहे हैं उसमें इसका 220 नंबर आया। तो इसमें मेरिट इसकी दोनों में आ गई, मतलब आर्ट्स में भी आ गई और सोशल में भी आ गई। तो उसके बाद क्या होगा, सपोज दैट इस बंदे ने सिर्फ एक ही फॉर्म भरा हुआ है तो इसका 220 नंबर आया। सपोज दैट इसका सोशल साइंस का कट ऑफ 225 नंबर चला गया तो इसका जो एडमिशन है वो नहीं होगा। इसका एडमिशन 225 नंबर पे कैसे एडमिशन होगा, क्योंकि इसने तो सिर्फ 220 नंबर लाए हुए हैं, तो इसका एग्जाम नहीं, इसका एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे भी बात करें, इस बंदे ने सोशल और आर्ट्स दोनों भरा था तो सोशल का कट ऑफ तो 225 गया तो इसका सोशल में नहीं होगा। अब बात करते हैं आर्ट्स में, अगर आर्ट्स का कट ऑफ 210 नंबर पे चला गया तो इसका 210 नंबर पे आर्ट्स में एडमिशन हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि अगर सोशल साइंस का कट ऑफ 225 चला गया, इस बंदे ने सिर्फ एक ही फॉर्म भरा था और सोशल साइंस का कट ऑफ सिर्फ 225 चला गया तो इसका 220 नंबर सिर्फ आया तो इसका एडमिशन नहीं होगा। और इसमें इसने इस बंदे ने जो दूसरा बंदा है उसने आर्ट्स और सोशल दोनों अप्लाई किया था और एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक ही होगा आर्ट्स और सोशल का, और उसमें इसका 220 नंबर आता है तो 220 नंबर सोशल के लिए भी गिना जाता है, आर्ट्स के लिए भी गिना जाएगा। इसमें 220 में इसमें सोशल में इसका नहीं होगा क्योंकि 225 नंबर पे सोशल पे हो रहा है और 200 आर्ट्स में 210 कट ऑफ गया तो इसका 220 आया हुआ है तो इसका आर्ट्स में एडमिशन हो जाएगा, सोशल में नहीं होगा। तो ये तरीका BHU ने अपने एग्जाम के लिए निकाला है कि आप दोनों फॉर्म भरोगे लेकिन टेस्ट एक ही होगा, ज्यादा भीड़ नहीं होगी, बस आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। एक ही एग्जाम देंगे, एक ही एग्जाम आपका तय करेगा कि आप किस में एडमिशन ले पाओगे किस में नहीं ले पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और आर्ट्स की सोशल्स की सारी इन्फॉर्मेशन हमारी YouTube चैनल पे पहले से अपलोडेड है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगी ये चैनल तो आप सब्सक्राइब करिए। सारे इस पे BA आर्ट्स एंड सोशल के जितने भी पेपर्स हैं, 10-10 साल के, मतलब 10 साल के सोशल साइंस, 10 साल का आर्ट्स का पेपर सब अपलोडेड हो जाएगा इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस। ऑल द बेस्ट फॉर द BHU एग्जामिनेशन, जिसने जिसने फॉर्म भरा है उसको ऑल द बेस्ट। Thank you for watching this video.